ये पापू वैली, नंबर डी पापू था क्या? पापू वैली की जगह में ना श्योर आना, ये इतना सुंदर ठंडा सीजन को आओ ना, तभी आपको बर्फ देखने मिलेगा। रोल कैमरा एंड एक्शन, डायरेक्ट वेलकम टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लेट्स गो। अभी पक्की के संगम क्रॉस हो चुका है, आयु से जो भी देख लो बात को उसको, और ये तो किनार में तो रुका, आप लोग नदी देखेगा सोच के, और पक्की के बहुत सुंदर है असली का ना, और ये पक्की के संग नदी, और हमको यहाँ से ऊपर जाना है ना, इला रोड से पूरा जाना है, और आपको ये चीज बता देगा, ये ईटानगर टू सेपा ना, सेपा का रास्ता बहुत अच्छा है, डायरेक्ट हाईवे है ना, तो जो हमको जो मेचुका साइड का वो जो उला रास्ता से तो बहुत अच्छा है, और यहाँ का जो नज़ारा भी हमें बहुत सुंदर लगा है ना, और यहाँ का अलग अलग ही वाइब्स देता है, तो वो वाइब्स को किसे बताएगा ना, मतलब बहुत एक्साइटेड, बहुत खुशी वाला वाइब्स होता है ना, और इसमें हम आ रहे हैं अकेला भी, अकेला कोई ट्रैवल इंटरेस्ट हो तो अकेला भी आ जाओ ना, बहुत अच्छा जगह, और दोस्तों के साथ ज़्यादा फुर्ती होगा अपना क्लोज वन के साथ, तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे आप लोग आ रहे हो इधर अपना क्लोज वन लोग के साथ आ जाना, या ये पक्की के संग ये सेपा या फिर सगाली, और शायद सब सब जगह होम स्टे शायद होगा लगते हैं, क्योंकि देखे लगा है ना कि होटल है सब, उसमें बहुत मेंशन किया था बोर्ड में, तो उसमें होटल भी आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग श्योर विजिट करना ये पक्की के संग सेपा और सगाली, और ये जितना भी नोटिस है जितने अरुणाचल है सब में विजिट होती है, सबके अलग अलग वाइब्स मिलते हैं, हर एक बस्ती टाउन सबके अलग अलग वाइब्स, और सबका ये बात करने का वही बहुत अच्छा है, और ड्रेसिंग चेंज ना हर कोई बहुत अच्छा बहुत अलग है, और बहुत मजा है ना हमको, इसलिए तो इतना ही तभी आपको डायरेक्ट सीधा हम पिकनिक स्पॉट में मिलेगा, तो सी यू बाय। इसमें हम ये पक्के किसान क्रॉस करता हूँ, इसमें रुका है ना, आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ, बहुत पता नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था इसमें वो दिखाई देगा बोल के, अभी आपको देख लो, हम उसका नाम मेंशन नहीं करेगा, तो अभी जस्ट देख लेना और बता ही देगा उसको, जस्ट ये जस्ट पीछे में एक पूरा सीनरियो है ना, मतलब पूरा बर्फ का पहाड़ देख लो ना, बहुत सुंदर है, आइए कसम हमेशा याद दिला दिया ना, और क्या बोलेगा, हम बहुत अपना सा लग रहे हैं ना इसमें, इला पहाड़ को देख के, तो अभी आप देख लेना वो पहाड़ में, तो अभी आप देख लो ऐसे होने से उसके पीछे में, उसको वीडियो कैमरा को तो स्टॉप करेगा, तो देख लेना वेद मिनट ऑफ करना पड़ेगा, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ना, इतना क्लियर तो नहीं है लेकिन भी वो देखो जूम कर लेगा, हाँ जो वाइट है ना ऊपर में वो माउंटेन है, बर्फ का पहाड़ है, वो कौन सा पहाड़ होगा ना, कौन सा बस्ती का होता होगा ना, इतना सुंदर है ना, हम तो क्या सोच रहा था, देखे तो ये बर्फ है, वो देखो पूरा बर्फ बर्फ का पहाड़, इतना सुंदर है आइया ना बड़ी बर्फ, देखो चौथी में पूरा बर्फ है, ये ईला नजारा भी देखने दिए, पक्की के संग क्रॉस सोच के आप लोग को, ये पापू वैली नंबर डी पापू था क्या, पापू वैली की जगह में है ना, श्योर आना, ये इतना सुंदर ठंडा सीजन को आओ ना, तभी आपको बर्फ देखने मिलेगा, अब देखा है ना मैं पीछे बर्फ था, वो अभी भी दिखाई दे रहा होगा, वो देखो पीछे में बर्फ है, वो पहाड़ का पीछे है, तो अब जैसे ही विजिट करने लगेगा, और हम तो ये आप लोग रिकमेंड करेगा, क्योंकि अब इसमें दिसंबर को आए थे, दिसंबर 1 तारीख आज 1 तारीख है ना, तो कोई आप लोग ये बर्फ देखना है तो दिसंबर 1 तारीख को आ जाना, और सबसे अच्छा ये जल्द एक्सपूर्ण एक्सपीरियंस हम आप लोग को बता देगा, जब मुंह निकालता है ना जहाँ भी पूरा बर्फ ही बर्फ हो पहाड़ में, तब तो एक बार शाम का 10 बजे सबको मुंह निकालते समय बाहर जाके जाग के देखो ना, जो बर्फ का पहाड़ है पूरा क्रिस्टल का चमकता है ना, और वो वाला व्यू आप शायद उसको नहीं भूल सकते, बहुत एक ड्रीम का जैसा होता है ना, बहुत सुंदर होता है, तो हम जो बोला उसको एक बार ट्राई करके देखना, आई होप नहीं हम पता है आप लोग उसला नहीं करेगा क्या बोलते हैं, रिग्रेट नहीं करेगा, बहुत अच्छा ओला समय सबसे अच्छा होता है ना, आपका नींद भी खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा सपना आएगा आप लोग को, तो अभी सीधा आप लोग को पापू वैली में मिलेगा ना, तो सीधा जाएगा तो अभी इसको ऑफ कर लेगा, बड़ी कौन सा बस्ती है नीचे वाला क्या तासा पासा वैली ना, आप लोग पासा वैली भी देखा, ये पासा वैली बहुत सुंदर है ना, आइया देख लो आप लोग ना, ये पूरा नीचे में पूरा क्लाउड कवर है, देखो ये पूरा क्लाउड कवर है ना, कवर क्या ये पूरा वैली को, और बहुत प्लेन है नीचे से, बहुत प्लेन आई है अभी ना, तो जितने पक्की के संग पक्की के संग क्रॉस किया बोलने से
सुंदर वाला पूरा पार मिलते रहेगा ना, अभी बोला बर्फ का पार कोई पूछेगा ना, वो कौन सा एक्चुअली है ना, मैं पीछे में जो बर्फ का पहले पार वीडियो में था उसको पूछ लेगा वो पार का नाम क्या है बोल के। गूगल नजारा भी देखो इतना सुंदर है, उसने बड़ी पूछा है। ओ भैया, ओ भैया, तो वो बर्फ का पार जो है ना वो उसका नाम क्या है? लेकिन इसका हम लोग भी मालूम नहीं है, तवांग बोमदिला है क्या? आलू की मालूम नहीं है ना? ओ ये भैया मालूम नहीं बोलते पार को ना, शायद तवांग, तवांग नहीं तो बोमदिला का शायद आस पास से कुछ ऐसे ऐसे मेंशन कर रहे हैं तो वही होता होगा। या मैं जो रिसर्च करते हैं वो लोग भी आइडिया नहीं है तो हमें पता नहीं होगा नाम कैसे पता, हम तो फर्स्ट टाइम आए थे इधर। तो इसका नीचे ही है हम लोग, और एक पार पार करना पड़ेगा बोल रहे ना, जो बड़ी पूछा है तो भैया बता रहा था आधा आधा घंटा जितना लगेगा बोल रहा है, तो उसमें पहुंच कर लूंगा, मिल ही लेगा लास्ट बार ना। पहुंच गया और ये बहुत दूर है ना, इसमें आदमी सभी है तो हम अभी जान गया ना, मतलब इधर इधर ये जो जो बस्ती का मैं बड़ी का तेली का पिताजी लोग, जेम्स के पिताजी लोग इसमें क्यों आए ना, बहुत दूर है कसम से ना, उसका बस्ती से यहाँ तक बहुत दूर, कम से कम 60 किलोमीटर है ना पिकनिक, इतना दूर एक्चुअली खाने तो कोई नहीं आता है। हम भी सोच रहा था इतना दूर क्या करेगा सोच, लेकिन अभी हम पता चल गया ना क्यों खाने इधर आया था, पिकनिक सेलिब्रेट करने क्यों आया ना वो लोग, बहरहाल क्यों इला जगह देखा जाता अभी समझ में आई, क्योंकि पापू बेली है ना रिसर्च में बेली है और बहुत प्लेन है, जैसे इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वोला साइड था टाउन साइड बहुत सुंदर है ना, और सामने में नदी है ना इसलिए वो बहुत क्लियर है। तो आज को आप लोग को दिखा देगा कुछ कुछ ये कुछ सीन आपको दिखा देगा, हमको पिकनिक वाले हम सोच रहे दिखाएगा बोल के। और ये यहाँ से सेपापुर से सामने है ना, जैसे हम एक चीज हम नोटिस किया है ना, जितना ये ऊपर जाते जाते छेपा का जितना सामने होते जाते उतना ही यहाँ का तो निशी का जो डायलेक्ट होता है, जो जैसे डायलेक्ट बोलेगा ना उसको एक्सेंट बोलेगा उतना से चेंज हो जाता, तो उसमें चेंज आता है ना थोड़ा सा रफनेस आ जाता है बोलते, जो तेली को पूछा था तो ऐसे बोल रहा था। तो हम क्यों ऐसे उसको बात कर रहे हैं, हम लोग आदि में भी ऐसे होता है ना, हम लोग का इसमें जो फांसी पादम जो मिनियम सब होता है हम लोग ब्रदर्स लोग का, हम लोग का भी ऐसे होता है कुछ कुछ बात एक्सेंट हम लोग का चेंज हो जाता है, जैसे वो अबंग बोलते हैं हम लोग अब बोलते हैं ना, तो ऐसे कुछ बात चेंज हो जाते हैं। और नहीं तो इसको बताएगा सोच के, तो वो नदी को देखो कितना सुंदर है, क्रिस्टल क्लियर है, नदी भी बहुत सुंदर है ना, और क्या बोल देगा अभी आप लोगों को दिखा देगा, ये देखो पानी नदी है ना, ये चौथा सा है और बहुत इसमें मछली भी बहुत है, मछली को अभी दिखाई नहीं देगा। तो पहुंच गए बहुत अच्छा लगा, और बहुत दूर है ना ये पिकनिक स्पॉट बहुत दूर है, पूरा 60 किलोमीटर ये है ना एक पिकनिक के लिए, तो फिर वापस जाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं दिला कम से कम पहुंचा भी है ना, तो उतना भी सेटिस्फाई है। और अभी हम क्या युवा में जाके सेलिब्रेट करेगा, दोस्त लोग फैमिली लोग से बात करेगा, कल भी बात किया था, और जब जब वापस जाएगा उसमें आप लोगों को तेली का घर भी दिखा देगा ना। तो अभी के लिए तो पीस आउट, नहीं तो जेम्स ऐसे ऐसे करो तो, हाँ उसमें जेम्स है, अभी क्या हालते वो फैमिली लोग का पास जा रहे तो बड़ी पहुंच गया ना, सुबह इतना तंदा था ना, और अभी अभी तो ठीक हो गया ना, बाइक से गिरने वाला था तंदा होके, मजीद बोल रहे हैं हम बाइक बहुत अच्छा चलाते हैं, नहीं नहीं तंदा होके हम पीछे बैठे, ओ ओ ओ ओ अच्छा अच्छा बड़ी गिरने वाला था, हम तो बड़ी तुमको गिरने नहीं देना था, लेकिन ना हम पीछे से रास्ता में आग जला के बैठ उसका वीडियो बनाया था देख लेगा होगा, इसलिए ना बहुत तंदा था कसम से आप लोग को दिखाया है, लेकिन क्या हालत है वो बड़ी बहुत सुंदर था ना, कौन सा वाला वो पके कैसा, उसने तुम्हारा बर्फ को भी तो देखा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इसलिए
लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब ना इतना अच्छा अच्छा जगह जाना मिलेगा बोल के, बहुत बढ़िया। ये कुछ भी पता नहीं है ना, बड़े तो लेकिन निंजा लग रहे थे जोकर मत्ता में मतलब पहना है ना, ये क्लिप आता है बड़ी जो तुम मतलब मत्ता में पहना है ना, ये असम वाला बाल आलू का होता है ना, वो लोग ज्यादा ऐसा बनाते, वो लोग का कल्चर ऐसे होता है कि ऐसा कपड़ा पहनना है, ये जो मत्ता में पहने टावल जो रेड वही है, हाँ रेड और ये वाइट है ना, लोग कुछ है ट्रेडिशनल ड्रेस टाइप है, तो वही था ना इसमें आदमी पहुँच गया तभी ऑफ कर देगा ना बड़ी, ऑफ कर देगा ना, ऑफ कर तो इसमें पीछे में देखो आखा गया भैया लोग, और इसमें पूरा फैमिली लोग है, तो उसमें जाके मिलेगा सभी सभी को। आज पिकनिक का जो पिकनिक मछली में ये सब लोकल है, लोकल मछली है, आज हम इसको खाएगा और गाने उसमें बड़ी के पिताजी है, अंकल है, अंकल ये बड़ी का तेली का जेम्स का पिताजी है, गुड मॉर्निंग। हम लेट बहुत लेट पहुंच गया ना, हाँ आप लोग इतना दूर को ये इतना लोकेशन इतना दूर में क्यों सेलेक्ट किया है? ऐसा घूमने पिकनिक खाने के लिए, हाँ ये लेकिन बहुत अच्छा जगह सेलेक्ट किया ना, बहुत सुंदर यह जगह ना, इसलिए इनसे हमसे जवा नहीं है बड़ी के पिताजी इसमें बड़ी है, बड़ी तब पिताजी तो तुमसे जवान है तो बड़ी का दिल्ली का दादी माँ को मिलाएगा, दादी माँ दिल्ली का दिल्ली से भी जवान है ये भी ना इसे याद रख, ठंडा लगा है आपको बिना ठंडा लगा है, वो ठंडा था सामने आके ना देखा, अब सुने देगा वो ना बात ना, ये प्यारा से चलते बड़ी का दादी माँ है और ये माँ है ना, वो दिल्ली का माँ है जो दिख रहे ऐसे बोलो, ये बेटा का चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे बोल दो, ये बोल है ना बोल देगी इसका तरफ से, मैं बेटा का चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो बोला यार, अच्छा काम कर रहा है ऐसे बोल, बहुत अच्छा काम करता है ना जेम्स बड़ी, और हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं सकते, इसलिए काम कर रहे हैं सभी बस्ती का लोग है, सब एक साथ काम कर रहे हैं, उधर वाटर देख रहे भैया, ये बहुत अच्छा चीज कर रहे हैं ना, इसमें अच्छा एक्चुअली ना भी जो पिकनिक ये ऑर्गेनाइज किए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जितना बस्ती का नहीं किया सभी ना, सभी एक साथ क्या बोलते कंट्रीब्यूट करके प्लान करके सब मना रहे हैं, एक वो भी एक तारीख जनवरी एक तारीख को, तो हम इसको देखे एक चीज इंस्पायर हुए, मतलब हर बस्ती वाला लोग ऐसे कंस्टिव हुआ ना, मतलब क्योंकि यूनाइटी बढ़ते है और एक दूसरा को जानने पहचाने का और चांस मिलते है ना, मौका मिलता है, तो एक नहीं ब्रदरहुड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ये बहुत एप्रिशिएटेबल वर्क है ना, तो जो भी मेरा व्यूवर्स होगा फ्यूचर के लिए भी आप लोग भी ऐसा करो, कुछ भी होता पूरा बस्ती वाला सभी को जो जानकारी वाला इंसान हो गया यूनाइटी क्रिएट करना है, तो एक पिकनिक बनाओ ना और सभी को इंस्ट्रक्शन का एक मौका दो इसमें, लेकिन तेरी और ये ब्रो मुर्गी बना रहा टेली ब्रो लेकिन बहुत काम करता है ये तो सच है, लेकिन हम भी करते लेकिन हम नहीं सकते ना, और हम अभी काम नहीं है सर, नहीं तो हम भी करते ना। Yeah.
वन टू एंट्री मारो तो देखिएगा ये अभी तेली का था ना मरा है तो ना तुमसे तो दूर मरा है ना नहीं मैं उस लोगों साथ वो दे देगा बहन ये भैया का बोल दो भैया का यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो बोल के और यस क्लियर होगा ये तेली का भैया का ये है ना इसे हम इसका भैया का विषय मामा बोलो तो ना और बोलो इसमें भैया का यूट्यूब का भैया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे बोलो भैया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो हाँ थैंक यू बहन बहुत सर मारा आया लग गया थे हम आइए उसके हालती पिकनिक स्पॉट से तो बाहर निकला ना अकेला ये क्या हालती है जो हम जो पिकनिक स्पॉट है ये जो पापू नाम भूल गया लेकिन ये बेली है पापू बेली है क्या श्योर नहीं ना लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं इसलिए उसके लिए सॉरी ना लेकिन व्यू आप लोग को दिखाएगा हम श्योर ना क्योंकि बहुत सुंदर है सच में भी ये नहीं तो ऊपर साइड वाला पिकनिक स्पॉट में असली वाला तो जो हमको हाँ दिल से अच्छा लगे वो नीचे साइड में और यार सेपा आधा किलोमीटर क्या सॉरी आधा घंटा का जीना लगता है सेपा पहुँचने के लिए तो देखो नज़ारा कितना सुंदर है हम बेक कर देगा ना उसके बाद आप लोग देख लो वो वाला जगह में एक बस्ती है ना वो जूम कर देगा हाँ वो वाला पार्जो चौथा था वो घर है पूरा तो वहाँ से पा आधा घंटा का रास्ता में यहाँ से तो घूम रहा है बहुत बेच लिया ताकि यहाँ गर्म भी हो गया इसलिए हमने सभी तरफ दोनों खोल दिए तो सभी अपना काम में बिजी है हम भी खोल दिया सब अपना काम में बिजी है इसलिए हम दोनों तरफ वाकई नदी में नदी का किनारे पत्थर पे गया ना पत्थर फेंक के बैठ गया तो और कुछ करने के लिए भी नहीं तो ना वही है इसलिए तो क्या बोल देगा ना और अभी आज जाके इटली मछली मारने टाइम मिलेगा नहीं होगा टाइम नहीं मिलेगा तो सॉरी ना सभी को क्या मछली क्या मारने नहीं मिलेगा और देखने नहीं मिलेगा ये तो रात हो जाएगा रात हो जाएगा और ऐसे हम भी ऐसे है ना मतलब हम मछली मारने क्या होती है बहुत बड़ा हॉबी है मत मछली मारने बहुत इंटरेस्टेड है एक हॉबी ही बोल दो कुछ भी हॉबी है मछली सबसे अच्छा लगे मारने के लिए हमको लेकिन नहीं सकते हम लेकिन बचपन से एक ख्वाहिश है ना मछली मारना है हमको मछली मारना है कुछ से मछली मार के अपना पेरेंट्स लोग को खिलाना था हमको इसलिए मज़ा लगता है बोला चीज अभी आप लोग देखो बात को ना मछली हम कैसे मारते हैं ओ पत्थर कैसे कौन ज़्यादा क्या दूर फेंकते हैं ना बहन क्या कौन ज़्यादा दूर फेंकते हैं हम और क्या तेली भैया कौन ज़्यादा दूर फेंकेगा लगता है आपको पत्थर नहीं लगता है पर देखना पड़ेगा नहीं आइए ये बहन बहुत इंटेलेक्चुअल वाला है देख लो कौन ज्यादा मछली और क्या पत्थर दूर फेंकते कर दिया दोनों तुम तो टुंडो हाँ चलो पर से इसका मरी पानी में देखा भैया कैसे जाने देते को सात बार जाने देगा जैसे कहा है ओ नहीं पूछा हाँ चलो पीने का बारे कहा है अय्या भाई भाई का पार हो गया हाँ पीनी अरे अच्छी तीन खबर है अय्या तेरे का भी पार हो गया मेरे तो पारी नहीं होते चल दिखेगा कहा है ऊपर जाते हैं मेरा तो नहीं पहुंचेगा रे जाएगा ये हो गया मेरा पहले दो बार जाता था वो और भी पत्थर ढूंढ रहा है मामू को भी दे थोड़ा तो हां YouTube के लिए हो गया ना अभी चलो और देखो अभी पार मेरा पानी है मत करो आप नहीं करो आ कैसे दिखते बड़ी देखो पार कर देगा अभी दिखाई देगा ये देखा बेन अभी देखो हम जिससे ही पार कर देगा ये एक पत्थर है ना तेरा हो गया पत्थर 10 बार पार करेगा हां ये 10 बार पूंछेगा नहीं देखो उधर देखो पानी में देखो वाह ये बेन हम लोग का कैमरा मैन था बेन ने अपना चेहरा देखा भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर दो बोलो बोला था तो ना
इटली इटली हम जीते हैं लेकिन आज ना मजा किया बड़ी जीता ना खाना खाने का समय है हम तो खाना खा लेगा उसके बाद शायद डांस हो बड़ी है आदमी किधर डांस करेगा क्या अभी खाने खाने के बाद तो खाना खा के डांस कर खत्म ना उसका नहीं था मेरा ये सगाली का ब्लॉग ना और ये अनप्लान ब्लॉग मतलब बहुत अच्छा लगा है तो अभी डांस खाना खा के खाना को देख लो उसके बाद डांस करके खत्म कर देगा गाना हम लोग का ना बड़े ज्यादा सब नहीं आ गई तो ये गाना भी सब्जी भी आएगा वो हाँ इसमें बहन भी आ गई है हम कैमरा मैन तब सब्जी आना है बस ना अभी सभी करो इसमें गुड में आदमी आधा बात रहे खाना को फिर मैं और हम होते इसमें तो फिर ये हम लोग का आज का लंच अरे क्या बोला था चल बोलो अरे खाना खा लिया बोलता खाना खा लिया बोली खा ले गया था अरे तुम लंच खा रहे ये मीट ये मछली और ये सब्जी तो हम खाना भी अभी खत्म कर लिया अभी तब उसमें फोटो सेशन हो रहा है तो फोटो सेशन और तो कुछ डांस होता है तुरंत खींच के डाल देगा और आज का ब्लॉग तो इतना ही था ना आई होप यू गाइस लाइक इट और अच्छा लगा हो तो आप डी एस योर सब्सक्राइब और शेयर कर देना क्योंकि हम इतना मेहनत किया था ना इतना दूर तक आए इसलिए तो थैंक यू आप लोग इतना तक देखा है तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे थैंक यू आज हम निकालेगा हम और टेली टेली निकालेगा ना अभी ये अंकल है ना अंकल थैंक यू आज मैं इतना दिन बैठने ने इतना अच्छा खाना खिलाया ना उसके लिए आंटी को भी थैंक यू और मेरा तरफ से हैप्पी न्यू ईयर आप दोनों को ना और आपका फैमिली सभी को और अंकल आंटी बहुत अच्छा है ना और अच्छा वो निकालेगा तो आपको सीधा उसमें मिलेगा ईटानगर में मिलेगा तो मेरा ब्लॉग इतना ही था और ये ब्लॉग खत्म हो गया मेरा नया साल का